नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एमपी भारत में। मैं आपके साथ खुशबू खान बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। टाइगर स्टेट के बाद अब प्रदेश ने हासिल किया लेपर्ड स्टेट का दर्जा। अन्य राज्यों की तुलना में एमपी में सबसे अधिक तेंदुए। सीएम ने वन्य जीव संरक्षण को दी बधाई। हरियाणा में मध्य प्रदेश के दमोह की रहने वाली 5 साल की बच्ची से रेप के बाद हत्या की वारदात को दिया अंजाम। एमपी पुलिस का दल झज्जर रवाना। हरियाणा में दमोह की बच्ची के साथ रेप के बाद हत्या का मामला। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हरियाणा के मुख्यमंत्री से की फोन पर बातचीत, कहा दोषियों को मिले कड़ी सजा। कमलनाथ के युवाओं की बेरोजगारी वाले बयान पर सीएम शिवराज सिंह चौहान का पलटवार, कहा रोजगार की योजनाएं बंद नहीं हो रही, स्वरूप बदलने पर विचार जारी। और शिवनी में सोमवार शाम को हुआ भीषण सड़क हादसा, हादसे में 5 लोगों की मौत। सीएम शिवराज ने ट्वीट करके दुख व्यक्त किया। चलिए खबरों में बढ़ते विस्तार से। मध्य प्रदेश को पहले टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब मध्य प्रदेश ने लेपर्ड स्टेट का दर्जा भी हासिल कर लिया है। बाघों के बाग अब प्रदेश में देश के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे ज्यादा तेंदुए पाए गए हैं और टाइगर स्टेट एमपी में कुल 3421 तेंदुए हैं, जो देश में सबसे ज्यादा हैं। यह आंकड़े केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जारी किए हैं, जिस पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस अनूठी उपलब्धि के लिए मध्य प्रदेश वन विभाग और वन्य जीव संरक्षण से जुड़े सभी लोगों को बधाई दी है। तो ये रतलाम में एक जनसभा के दौरान अलॉट के पूर्व विधायक जितेंद्र गहलोत के बिगड़े बोल सामने आए हैं। उन्होंने अपने संबोधन में कमलनाथ सरकार की जमकर आलोचना की। जितेंद्र गहलोत ने कांग्रेस सरकार और उनके कार्यकर्ताओं की तुलना भूखे कुत्तों से कर डाली। जितेंद्र गहलोत ने कहा है कि केंद्र सरकार की योजनाओं को कमलनाथ सरकार अपने नाम से श्रेय देना चाह रही है। गहलोत ताल में शासकीय महाविद्यालय के उद्घाटन के दौरान रतलाम पहुंचे थे। आज यहाँ पर कमलनाथ जी की जितनी भी सरकार थी और ट्रांसपोर्ट उद्योग लगाकर अधिकारी परेशान हो गए थे, या फिर कर्मचारी परेशान हो गए थे, क्राइमान करने लग गए थे, क्योंकि वो 20 साल से भूख की बेटी थी और जब भूख लगती है तो देखिए कुत्ते कैसे भिड़ते हैं, वो कुत्ते जैसे भिड़ गए। आज हमारा किसान परेशान हो गया, युवा परेशान हो गया, महिला परेशान हो गया। दतिया में वन मंडल द्वारा जंगल से अवैध रूप से रेत निकालने वालों पर कड़ी कार्रवाई की गई। वन विभाग और पुलिस प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई में 100 ट्रॉली अवैध रेत जब्त किए गए हैं। मामला हिनौतिया के मोहब्बर घाट का है, जहां पर लगातार अवैध रूप से रेत निकाले जाने की खबरें सामने आ रही थी, जिसके बाद वन विभाग की टीम द्वारा अवैध भंडारण का भंडाफोड़ किया गया। वहाँ जो मोहब्बर घाट है, उससे अक्सर खबरें आती रहती है कि वहाँ जंगल से अवैध रूप से रेत निकाली जा रही है। तो उसी में मतलब 8-10 दिन लगातार कार्रवाई चल रही है और उसी कार्रवाई का आज एक पार्ट था, जिसमें जो रेत रखी हुई है, जहाँ अवैध भंडारण किया गया है रेत का, उसको जब्त करने की कार्रवाई आज की गई है। वही किसानों के आंदोलन की तारीखें जैसे जैसे बढ़ रही हैं, वैसे वैसे ये आंदोलन और भी ज्यादा मजबूत होता जा रहा है। दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों को देश भर से समर्थन मिल रहा है। खबर बैतूल से है, जहां पर किसानों ने किसान कानून में सुधार को लेकर एक दिवसीय धरना दिया और इस धरने में हजारों की संख्या में भारतीय किसान संघ के किसानों ने भाग लिया और जिले के किसानों ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। आज बैतूल जिले के गांव-गांव से किसान आया था। उन किसानों की स्थानीय मांगे थी, कुछ बिजली की समस्या थी, कुछ किसानों कनेक्शन 3 आसपास के 5 कर दिए, 5 वाले 7 कर दिए, अनेक किसानों की मक्का खरीदी नहीं हो रही है, अनेक किसानों का पुराना पैसा बकाया है, भावांतर का, बोनस का, उसका मुआवजा नहीं मिला, बीमा नहीं मिला। इसी स्थानीय मांगों के साथ साथ जो सरकार 3 कृषि व्यापार अध्यादेश लेके बिल लेके आई है, उसमें जो भ्रम फैल रहा समाज के बीच में, जनता के बीच में, उस भ्रम को दूर करने के लिए भारतीय किसान संघ के माध्यम से आज सभा आयोजित की गई थी। हमने सरकार से किसानों के हित में जो कानून हैं बनाए हैं, उसमें जो चीज़ें किसानों के हित में हैं उनको लागू करते हुए, कुछ नए सुधार करते हुए इस कानून को लागू किया जाए। हमने सरकार से मांग की है, किसान का माल MSP से नीचे नहीं बिके, जो व्यापारी व्यापार करना चाहता है उसका पंजीयन हो, पोर्टल पर नाम दर्ज हो, सिक्योरिटी मनी जमा हो, वही व्यापार कर सके, किसान को नगद पेमेंट दिया जाए। तो इस सिवनी में सोमवार शाम को एक भीषण सड़क हादसा हो गया। ये घटना सिवनी के जबलपुर नागपुर NH 44 पर बंडौल थाना अंतर्गत
अलोनिया टोल प्लाजा की है, जहां पर तेज रफ्तार कार वहां टोल प्लाजा पर खड़े एक टैंकर से टकरा गई और इस हादसे में 3 महिलाओं समेत 5 की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। ये पूरा घटनाक्रम टोल पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। इस हादसे को लेकर सीएम ने ट्वीट करके दुख व्यक्त किया है। तो राजगढ़ पुलिस जिले में लगातार अवैध मादक पदार्थों को लेकर कार्रवाई कर रही थी, जिसमें राजगढ़ पुलिस को आज एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। सूचना पर कोतवाली पुलिस ने एक लोडिंग वाहन से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और इनके पास से 7 लाख रुपए की अवैध जहरीली शराब जब्त की गई है। विरुद्ध जो अलग अलग तरह के माफिया है, चाहे वो चिटफंड का हो, चाहे भू माफिया हो, शराब में लिप्त माफिया हो या गैम्बलिंग का माफिया हो, उसके विरुद्ध अभियान चलाया गया। इसमें अभी लगातार हमारे द्वारा कार्रवाई की जा रही है। परसों ही इसमें काफ़ी मात्रा में हथियार हम लोगों ने जब्त किए हैं। आज फिर थाना राजगढ़ पुलिस को एक सफलता प्राप्त हुई है। किसानों के मुद्दे को लेकर विपक्षी पार्टियां लगातार सरकार को घेरने में लगी हैं और इसी कड़ी में डिंडौरी में बिजली की समस्या, कृषि कानून और डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेसियों ने जमकर प्रदर्शन किया और सरकार से मांग की है कि बिजली की अघोषित कटौती और मनमाने बिल पर रोक लगाई जाए। कांग्रेसियों ने सरकार के विरोध में रैली निकालकर बिजली कार्यालय पहुंची और तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। जो 3 कृषि विधेयक जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाया है, यह पूरी तरह से किसान विरोधी है और इसका जो खामियाजा जो अमानक अभी से बताना आरंभ कर दिया है, उसका सीधा सा उद्देश्य यह है कि आप मजबूर होकर व्यापारियों के पास बेचने जाइए, समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा। किसानों ने मांग की है समर्थन मूल्य की। आप संविधान बनाइए, कानून बनाइए कि यदि 2000 रुपये किसी का समर्थन मूल्य है, 1999 कोई बेचेगा तो उसके ऊपर आपराधिक मामला दर्ज होगा। क्यों कानून नहीं बनाते? वो MSP को समाप्त करना चाहते हैं और वो छोटे छोटे जो हमारे किसान हैं उन्हें बंधुआ मजदूर बनाना चाहते हैं। खबर उज्जैन के दीनदयाल कॉम्प्लेक्स की है, जहां पर देर रात चोरों ने आधा दर्जन दुकानों पर धावा बोल दिया और साथ ही एक समाचार पत्र के कार्यालय से कंप्यूटर, CPU और दस्तावेजों को भी उड़ा लिया। चोरों ने पहले दुकान के ताले तोड़ी और फिर कीमती सामान लेकर फरार हो गए। चोरों द्वारा चोरी की घटना वहां लगे CCTV में कैद हो गई, जिसके आधार पर अब पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई है। देखिए, दीनदयाल कॉम्प्लेक्स में जो मीडिया पर्सन है जगदीश परमार और चंदेल जी हैं, उनका जो है संयुक्त ऑफिस है और उस ऑफिस में जो है ताला टूटा था और ताला टूटने के बाद जो है उनका जो डेस्कटॉप था और CPU और 2 पेन ड्राइव जो है चोरी हुए हैं और उनका ऐसा कहना है कि कुछ दस्तावेज भी जो है उनके जिसके बारे में हालांकि उन्होंने अभी स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन उनकी भी चोरी होना बता रहे हैं। उसमें भी जो है वहाँ पर हमने जो है हमारी एक्सपर्ट टीम फिंगरप्रिंट्स वगैरह और सभी के आए थे, फोटोग्राफ्स वगैरह हमने कराए हैं और उसमें जल्दी जो है हम लोगों को जो है उसमें खुलासा करेंगे। उसमें सरकार की योजनाओं को पलीता लगाने वाले अधिकारियों की प्रदेश में कमी नहीं और मामला शाजापुर के काला पीपल का है, जहां पर ग्रामीणों ने सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक पर ही भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने बताया कि विकास और योजनाएं सिर्फ कागजों में ही रहती हैं, सरपंच सचिव सिर्फ योजनाओं के नाम पर पैसे रख लेते हैं और सुविधाएं ग्रामीणों तक नहीं पहुँचाते हैं। चौकीदारी करता था, इसके पहले अपने पिताजी करते थे, इसके पहले भी अपने पिताजी करते थे, और भानेज की नौकरी लगी गई, वो चल गया, अपने को मिलना चाहिए चौकीदारी, वो मिल नहीं पा रही है, उसकी जगह दूसरी नियुक्ति, ना तो कोई ग्राम में ग्राम सभा का आयोजन करा गया और कुछ नहीं, और यहीं पे इन्होंने ठहराव प्रस्ताव करके और दूसरा आदमी को नियुक्त कर दिया। शिकायत अभी पिछले शुक्रवार या गुरुवार की शिकायत हमें भी दी थी, हमने सहायक केंद्रीय को 7 कानून की जांच के लिए दिया है और जांच रिपोर्ट आने के बाद यदि कार्य नहीं हुआ मौके पर या गुणवत्ताहीन हुआ है, सही पाया जाता है, तो ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव और उनके जनता द्वारा राशि हरण की गई कि विरुद्ध कार्रवाई के प्रस्ताव सक्षम अधिकारी के प्रस्ताव भेजे जाए। MP भारत में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश प्रदेश की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए MP भारत।